भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का दुर्भाग्य शुरू होने वाला है। मंत्रिमंडल के विस्तार में गैर विधायकों को मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अपमान की एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है और इस व्यवस्था से जनमत को खरीदने, धमकाने, बेचने की परंपरा की शुरुआत करके भारतीय लोकतंत्र को लजाने का ये प्रकरण का पटाक्षेप होने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस दृष्टिकोण से इसे देखती है कि जब संकट काल था, जब कोरोना में लाखों लोगों के ऊपर जान माल की चुनौती थी, तब ये सरकार केंद्रीय नियंत्रण के आधार पर चल रही थी और जब सेवा की ज़रूरत थी प्रदेश को, जब गरीब सड़कों पर था और तड़प रहा था, तब यह सरकार एक आदमी के भरोसे चल रही थी और आज इसे जो है मजबूरी में लोक निंदा से बचने के लिए सरकार बनाने का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बजट पारित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में 12 मंत्री चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।